नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आज है 7 जनवरी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। आइए जानते हैं लासलगांव प्याज मंडी के भाव और आव के। आज एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें जो कि अरब, सिंगापुर, यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, तो सुबह की शुरुआती नीलामी में 2500 तक नीलाम किया गया। वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें जो कि दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादातर सप्लाई किया जाता है, तो 2000 से 2300 तक देखने को मिली। वहीं पर मीडियम क्वालिटी की बात करें जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, वो 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को। मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 1200 से 1400 तक इसका भाव देखने को मिला। चाटन माल जो ज्यादातर लोकल मार्केट में ही सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1000 से 1200 तक नीलाम किया गया। अब बात करें तेजी मंदी की, तो बाजार में आज कल के मुकाबले लगभग 200 से 300 तक मंदी देखने को मिल रही है। आवकों की बात करें तो लगभग 12000 क्विंटल की आवक सुबह तक देखी गई है। दूसरे राज्यों के भाव पर ध्यान दें तो बिहार, ओडिशा, बंगाल में लगभग 2800 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रही है। वहीं साउथ की बात करें तो 3000 से 3300 तक भाव देखने को मिला। मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज बहुत कम देखने को मिल रही है। बारिश के कारण और मौसम खराब होने की वजह से प्याज की क्वालिटी में फर्क देखने को मिल रहा है।